आज हम दोस्त टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है आपका एल्डिहाइड कीटोन। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोलता है कि क्या होता है जब निम्नलिखित ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करते हैं तब। ब्राइट स्टील का मतलब होता है दोस्त हीट करना। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट को हम लोग हीट करेंगे। देखिए दोस्त सबसे पहले हमको कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट हमारा दोस्त फॉर्मिक एसिड से आया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। HC डबल बॉन्ड OH ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। HC डबल बॉन्ड OH ये भी हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। यहां से दोस्त दोनों हाइड्रोजन एटम को हटा दिए तो यहां पर दो खाली बॉन्ड जेनरेट हो गया। अब ये दोनों खाली बॉन्ड से कैल्शियम का एटम जुड़ जाएगा। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दोस्त हीट करेंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट। और जब आप कैल्शियम फॉर्मेट को हीट कीजिएगा तब बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखिए दोस्त ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और यहां से निकाल दिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट को ये हम दो चूना पत्थर बोलते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्त ये हमारा फॉर्माइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। तो जब फॉर्माइल ग्रुप में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो बना हुआ मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा दोस्त HC डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। CaCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में लाइम स्टोन बनता है। हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त कैल्शियम बेंजोएट को हीट करना है। तो सबसे पहले दोस्त जानेंगे ये बेंजोएट कहां से आया हुआ है। तो बेंजोएट आपका दोस्त बेंजोइक एसिड से आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। यहां पर दोस्त बेंजोइक एसिड का दो मोल लेंगे। ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर फिर से लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फिर से बन गया बेंजोइक एसिड। अब यहां से दोस्त इस बेंजोइक एसिड से एक हाइड्रोजन को हटाएं और दूसरा बेंजोइक एसिड से एक और हाइड्रोजन एटम को हटाएं। तो यहां पर दो खाली बॉन्ड आ गया। अब इन दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिए कैल्शियम एटम को। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेंगे हम लोग हीट। यहां पर देखिए दोस्त यहां से नॉन मेटल का ऑक्साइड बाहर निकलेगा और यहां से कैल्शियम का ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो बाय प्रोडक्ट बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। इसी को हम लोग तो चूना पत्थर भी बोलते हैं। अब बचा हुआ प्रोडक्ट देखिए दोस्त ये हमारा बेंजोइल ग्रुप है और बेंजोइल ग्रुप में लगा देंगे बेंजीन का रिंग। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और ये हो गया हमारा कीटो ग्रुप। ये हो गया बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप में लगा दिए बेंजीन का रिंग।
इस कंपाउंड का नाम होगी हमारा बेंजो फिनोन, बेंजो फिनोन। तो इसी को कॉमन नेम बोल सकते हैं दोस्त, एक फिनाइल दो फिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ें, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगी हमारा कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। जब कैल्शियम बेंजोएट को हीट करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोफिनोन और बाय प्रोडक्ट के रूप में लाइम एस्ट्रॉन बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचबी का टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।